दिस इज माय 26 लेक्चर ऑफ माय पॉलिटी लेक्चर सीरीज और आज मैं इस लेक्चर में बात करने वाला हूँ टाइप ऑफ फंड्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास कितने टाइप के फंड होते हैं जिससे वो सोशल वेलफेयर के लिए काम करते हैं, कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है, ठीक है, तो उन फंड से पैसा निकाल के उस इमरजेंसी सिचुएशन को टैकल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो कितने टाइप के फंड्स होते हैं हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, ठीक है, उसके बारे में आज हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं। जो मेरा लास्ट का लेक्चर था जिसमें मैंने बताया था कि कितने टाइप के बिल्स होते हैं और स्टेट लेजिस्लेचर एंड पार्लियामेंट में वो कैसे पास होते हैं, ठीक है, सो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम इस लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं। सो बेसिकली तीन टाइप के फंड्स होते हैं, ठीक है, तीन टाइप के फंड्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक होता है आपका कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया, सेकंड होता है आपका पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया एंड थर्ड होता है आपका क्या, कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। अब एक एक करके हम इन तीनों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, देखो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया। देखो ये क्या है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल फंड है, ठीक है, और आर्टिकल 266 हमें इस फंड के बारे में बताता है कि भाई कंसोलिडेशन फंड होना चाहिए हमारे इंडिया के अंदर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है, ये एक लार्जेस्ट फंड है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। अब इसके अंदर कौन कौन से कहाँ कहाँ से पैसा आता है, ठीक है, अब इस कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया का सोर्स क्या है, इसके अंदर पैसा कहाँ से आएगा, तो देखो जो भी टैक्स कलेक्टेड होता है वो सारा पैसा कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया के अंदर आता है। कोई भी इनकम रिसीव करता है अगर हमारा गवर्नमेंट, जैसे PSU है, उनका प्रॉफिट होता है, ठीक है, तो कोई भी इनकम अगर रिसीव कर रहा है वो, तो उसका जो फंड आता है वो किसके अंदर आता है, वो आता है कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया के अंदर। अगर कोई भी लोन लेती है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, वो जो पैसा आया लोन लेके वो पैसा किसके पास जाएगा, कौन से फंड में जाएगा, वो जाएगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इसलिए बोलते हैं हम लोग इट इज़ द लार्जेस्ट फंड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। अब इस फंड की डिस्पोजल पावर किसके पास होती है, ठीक है, वो होती है हमारी पार्लियामेंट के पास। अगर पार्लियामेंट सेंक्शन करेगा, ठीक है, कि नहीं इस फंड से जो है आप पैसा निकालो, तभी ही जो है इस कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकलेगा, अदरवाइज पैसा नहीं निकल सकता, ठीक है, तो इट इज़ एट द डिस्पोजल ऑफ द पार्लियामेंट, दैट इज नो अमाउंट कैन बी विदड्रॉल फ्रॉम द फंड विदाउट द प्रायर सेंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। तो मतलब पार्लियामेंट की हजूरी बहुत ज़रूरी है, ठीक है, उनका सेंक्शन बहुत ज़रूरी है इस कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालने के लिए, ठीक है, अगर गवर्नमेंट को पैसा निकालना है तो वो उसको पार्लियामेंट से जो है सेंक्शन लेना पड़ेगा, उसके बाद ही इससे हम लोग पैसा निकाल सकते हैं और किसी वेलफेयर के लिए, गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए ये पैसा जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 266 में एक बात और लिखी गई है, उसमें ऐसा बोला गया है कि हर एक स्टेट के पास उसका अपना कंसोलिडेशन फंड होना चाहिए, ठीक है, हर एक स्टेट के पास उसका खुद का अपना एक कंसोलिडेशन फंड ऑफ स्टेट होना चाहिए, ठीक है, तो हर एक स्टेट के पास भी अपना एक कंसोलिडेशन फंड जो है वो होता है, ठीक है, तो आपको कंसोलिडेशन फंड में आपको बस इतनी सी बातें याद रखनी है, इससे ज़्यादा आपको कुछ याद नहीं रखना, सारे क्वेश्चन आपके इन्हीं 4-5 पॉइंट से हो जाएंगे। चलिए हम सेकंड बात करते हैं, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, ये भी एक क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल फंड है, ठीक है, और आर्टिकल 266 में इसके बारे में भी बताया गया है कि एक पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया एक ऐसा फंड होना चाहिए, ठीक है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, इसलिए हम इस फंड को कॉन्स्टिट्यूशनल फंड बोलते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर सोर्स क्या है, मतलब पैसा कहाँ से आता है, ठीक है, तो बेसिकली इसके अंदर जो पैसा आता है ना, वो जो गवर्नमेंट के डिपॉजिट्स होते हैं ना, ठीक है, जो भी सेविंग्स होती है, जैसे प्रोविडेंट फंड हो गया, ठीक है, एम्प्लॉय आप जब भी जॉब में जाते हो तो आपका PF कटता है, ठीक है, तो वो जो पैसा जो कटता है, जो मनी आती है, वो होता ज़रूर आपका ही है, बट वो किसके पास होता है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास होता है, ठीक है, और जब आप रिटायर्ड हो जाते हो या जब आप अपना PF तोड़वाते हो तब आपको वो पैसा मिलता है, ठीक है, तो तब वो आपका पैसा कहाँ से आता है, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया से आता है, ठीक है, और जमा किसके पास होगा, जैसे अगर आप जॉब कर रहे हो, आपका हर मंथली में आपका PF कटता है, ठीक है, तो वो आपका जमा होता है आपका पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में, ठीक है, तो ये उसका सोर्स है। और ये किसके डिस्पोजल में होता है, भाई ये डिस्पोजल में होता है एग्जीक्यूटिव के, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि इससे पैसा कौन निकाल सकता है, जो एग्जीक्यूटिव है हमारे वो निकाल सकते हैं पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया से, ठीक है, अगर उनको कोई भी कुछ भी ऐसा कुछ ज़रूरत है, ठीक है, किसी स्कीम के लिए, किसी चीज़ के लिए, तो वो कहाँ से निकालेंगे पैसा, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया से, तो ये किसके डिस्पोजल के अंदर आता है, एग्जीक्यूटिव के अंदर आता है, आपको बस इतनी बातें ध्यान रखनी है, ठीक है। चले अब जो थर्ड फंड है वो उसका नाम है कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ठीक है, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। देखो कंटीजेंसी का मतलब होता है बेसिकली इमरजेंसी सिचुएशन, ठीक है, तो
इसके एक्चुअली क्या है ना कि ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि मतलब इस फंड के बारे में ऐसा नहीं बताया गया है कि ये फंड होना चाहिए, ठीक है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल फंड नहीं है, ये एक हमारा स्टेटूटरी फंड है, ये एक स्टेटस है, ठीक है। इसको एक्ट के थ्रू बनाया गया है, जो कॉन्टिजेंसी फंड एक्ट है ना उसके थ्रू ये जो फंड है उसको बनाया गया है। तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल फंड नहीं है, ये हमारा क्या है, ये एक स्टेटूटरी फंड है, ठीक है। बट हमारा जो आर्टिकल है 267, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है 267, वो क्या बोलता है, वो ये बोलता है कि वो ऑथराइज करता है पार्लियामेंट को कि भाई अगर कोई भी कंटिजेंसी सिचुएशन या फिर इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है, ठीक है, और उस टाइम पे अगर पार्लियामेंट नहीं बैठी है सेशन में, तो पैसा कहाँ से आएगा, क्योंकि पार्लियामेंट ही अप्रूव करता है कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया से पैसा, है ना। तो पैसा कहाँ से आएगा उस टाइम। तो ऐसा बोला गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि इस सिचुएशन में क्या है ना कि एक कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया होना चाहिए, और पार्लियामेंट को ये अथॉरिटी दिए कि वो ऐसा कोई फंड बनाए, ठीक है, किसी एक्ट के थ्रू या किसी लॉ के थ्रू, जिससे कि वो कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन जो है ना उसको जो है वो हैंडल कर सके, ठीक है। तो अंडर आर्टिकल 267 इट ऑथराइज द पार्लियामेंट टू प्रोवाइड बाय अ लॉ अ कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया टू मीट सम कॉन्टिजेंसी और इमरजेंसी सिचुएशन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द पार्लियामेंट पास द कॉन्टिजेंसी फंड एक्ट। तो पार्लियामेंट ने क्या किया, अकॉर्डिंगली पार्लियामेंट ने क्या किया कि उसने कॉन्टिजेंसी फंड एक्ट लेके आया और उसके थ्रू कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया जो है उसने बनाया, ठीक है, विच प्रोवाइड फॉर द कॉन्टिजेंसी फंड विद अमाउंट ऑफ 50 करोड़। जब इनिशियली जब ये एक्ट आया था और जब कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया लाया गया था, ये जो फंड है वो लेके आया गया था, तो उस टाइम इसके अंदर जो पैसा डाला गया था वो कितना था, वो 50 करोड़ था, ठीक है। बट अब ये जो अमाउंट है ना उसको इंक्रीज कर दिया 500 करोड़ तक, ठीक है, कि अब कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया के अंदर कितना पैसा होना चाहिए, 500 करोड़ जो है वो होना चाहिए, ठीक है। नाउ द अमाउंट हैज़ बिन इंक्रीज ₹500 करोड़, ठीक है। अब ये किसके डिस्पोजल के अंदर होता है, ये होता है आपका प्रेसिडेंट के अंदर, ठीक है। प्रेसिडेंट के पास पावर होती है इस फंड से पैसा निकालने की, और अगर कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन है और पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, तब वो क्या करेगा, वो कंटिजेंसी फंड से पैसा निकालेगा, उस इमरजेंसी सिचुएशन को टैकल करेगा, सॉल्व करेगा, वो हेल्प करेगा कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से, ठीक है। तो ये किसके डिस्पोजल के अंदर होता है, ये प्रेसिडेंट के डिस्पोजल के अंदर होता है। तो आपको इतनी बात ध्यान रखनी है, आपको हर एक फंड के बारे में पता होना चाहिए, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल है, कौन सा स्टेटूटरी फंड है, ठीक है। तो सिर्फ कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया है जो स्टेटूटरी है, बाकी दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल फंड है, ठीक है। और जो हमारा कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया था वो पार्लियामेंट के डिस्पोजल में था, जो हमारा पब्लिक अकाउंट था वो आपका एग्जीक्यूटिव के डिस्पोजल में था, और जो हमारा कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया है वो हमारा प्रेसिडेंट के डिस्पोजल में है, ठीक है। अब इसका सोर्स क्या है, ठीक है, अब इसके अंदर पैसा आएगा कहाँ से, कंटिजेंसी फंड के अंदर से पैसा आएगा कहाँ से। तो इसके अंदर से जो पैसा आता है ना वो आपका आता है कहाँ से, कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया से, ठीक है। क्या होता है कि जैसे कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया से जितना पैसा आया उसमें से 500 करोड़ उठा के जो है वो कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया में रख देंगे कि भाई इमरजेंसी सिचुएशन में अगर पार्लियामेंट नहीं है सेशन में, तो हमारा प्रेसिडेंट जो है यहाँ से पैसे निकाल के किसी भी सिचुएशन को, किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन को वो टैकल कर सकता है, ठीक है। तो द अमाउंट सेशन बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर इट्स रेक्टिफिकेशन बाय द पार्लियामेंट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया टू द कंटिजेंसी फंड, ठीक है। तो पार्लियामेंट क्या है, रेक्टिफाई करेगा और फिर ट्रांसफर करेगा 500 करोड़ रुपए कहाँ से, कंसोलिडेशन फंड से लेके कंटिजेंसी फंड में, ठीक है। कहाँ से उठाएगा, कंसोलिडेशन फंड से उठाएगा, और कंटिजेंसी फंड में जो है वो पैसा 500 करोड़ डालेगा, ठीक है। और जैसी जैसी कंटिजेंसी में ख़त्म हो गया तो वो फिर पार्लियामेंट से प्रेसिडेंट सेंशन कराएंगे पैसा, पार्लियामेंट रेक्टिफाई करेगा, वहाँ से जो भी जितना भी 500 करोड़ से कम हो गया, ठीक है, वो उठा के पैसा कंसोलिडेशन फंड से उठा के वो कंटिजेंसी में वो डाल देंगे, ठीक है। तो ये किसके डिस्पोजल में होता है, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, वो प्रेसिडेंट के डिस्पोजल में होता है, ठीक है गाइस। तो ये तीन फंड है जो मैं आपको समझाना चाहता था, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बताना चाहता हूँ कि जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो आ जाते हैं, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि चार्ज एक्सपेंडिचर क्या होता है, वोटन अकाउंट क्या होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, मैं उनके बारे में यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ उसी के साथ ही। देखो, चार्ज एक्सपेंडिचर क्या होता है, दीज आर दोज एक्सपेंडिचर विच आर चार्ज ऑन द कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया बट डू नॉट रिक्वायर द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट फॉर द पर्पस। देखो, इसमें क्या होता है कि चार्ज एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो कि चार्ज होते हैं हमारे कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया से, मतलब कि उसके लिए जो भी एक्सपेंडिचर हो रहा है, ठीक है, उसके लिए जो पैसा चाहिए वो हम लोग कहाँ से निकालते हैं, वो कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया से निकालते हैं, बट उसमें पार्लियामेंट के सेंशन की ज़रूरत नहीं होती,
ठीक है, कि नहीं ऐसा नहीं होगा कि मतलब पार्लियामेंट जब तक सेंक्शन नहीं करेगा तब तक जो है वो पैसा जो है वो नहीं निकलेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, तो उन एक्सपेंडिचर को हम लोगों ने क्या बोल दिया, चार्ज एक्सपेंडिचर बोल दिया। ठीक है, यहाँ पे हमें पार्लियामेंट की सेंक्शन की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस एक्सपेंडिचर को हम बोलते हैं चार्ज एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब ये जो चार्ज एक्सपेंडिचर के बारे में जो है ना आर्टिकल 112 क्लॉज 3 में बोला गया है, ठीक है, उसने इस आर्टिकल में बता दिया गया है कि कुछ कुछ एक्सपेंडिचर है जो कि बोल दिया गया है कि ये चार्ज एक्सपेंडिचर है, और उसी आर्टिकल में ये पावर भी दी गई है पार्लियामेंट को कि वो टाइम टू टाइम डिक्लेयर करता रहे कि भाई कोई भी जो भी एक्सपेंडिचर है वो चार्ज एक्सपेंडिचर है। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे जितनी भी सैलरी होती है आपकी, जितनी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरी होती है जो बड़े बड़े में है, जैसे कैग हो गया, ठीक है, और आपके प्रेसिडेंट हो गया, गवर्नर हो गया, इन सब की जो सैलरी होती है ना वो हमारी एक चार्ज एक्सपेंडिचर आती है। ठीक है, उनको जो सैलरी मिलती है वो कहाँ से मिलती है, कंसोलिडेशन फंड से मिलती है, पर उनको जब वहाँ से कंसोलिडेशन फंड से जब पैसा निकाल के उनको देते हैं तो उस टाइम पे पार्लियामेंट के सेंशन की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, बिना सेंशन के ही हम पैसा निकाल के जो है उनकी सैलरी वगैरह वो दे देते हैं, तो वो जो चीज़ है ना वो हमारा चार्ज एक्सपेंडिचर होगा एक तरीके से। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि चार्ज एक्सपेंडिचर होता क्या है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं वोट ऑन अकाउंट की। देखो, इट इज़ इंट्रोड्यूस एंड पास ओनली इन द लोकसभा, इट कंटेन द एक्सपेंसेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टिल द अप्रोप्रिएट बिल नॉट पासिस एंड एक्टिव। अब वोट ऑन अकाउंट क्या होता है कि एक्चुअली क्या होता है ना कि जब हमारा गवर्नमेंट, जब हमारी गवर्नमेंट बनती है, ठीक है, जैसे हमारा इलेक्शन हुआ, गवर्नमेंट बनी, ठीक है, अब उन्होंने जो है बजट जो है वो प्रेजेंट किया पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है, और बताया कि भाई हमारा ये जो है हमारा हम लोग यहाँ यहाँ से पैसा लेंगे और यहाँ यहाँ से हमारा पैसा जो है हम लोग इन्वेस्ट करेंगे, तो उनका एक रेवेन्यू होता है और एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, तो दो पार्ट होते हैं उनके, बट क्या होता है कि जब तक हमारा बजट पास नहीं होता ना तो तब तक तो गवर्नमेंट को रन करना ही है, और तब तक गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आएगा, तो पैसा कहाँ से आएगा, वो वोट एन अकाउंट से आता है। तो वो क्या करता है कि वो एक वोट एन अकाउंट बनाता है जिसमें जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं ना हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, जब तक अप्रोप्रिएट बिल पास नहीं हो जाता, ठीक है, पास नहीं हो जाता और एक्टिव नहीं हो जाता, क्योंकि पास होने के बाद ही उनको पैसा जो है वो सेंक्शन होता है। ठीक है, जब तक पास नहीं होगा तब तक पैसा जो है गवर्नमेंट को सेंक्शन नहीं होता, तो तब तक के लिए एक छोटा सा अकाउंट बना देते हैं वोट इन अकाउंट। ठीक है, ये एक तरीके से आप फंड समझ लो जहाँ पे जो है गवर्नमेंट के जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं ना वो हमारे यहाँ पे जो है वोट इन अकाउंट से वो लोग लेते हैं, ठीक है, और बाद में इसको एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है, आपको समझ में आया, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो वोट एन अकाउंट आपका ये होता है। एक बात आपको ध्यान रखना है कि इट इज़ इंट्रोड्यूस ओनली इन द लोकसभा, ये वोट एन अकाउंट जो है ना वो इंट्रोड्यूस और पास होता है सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में, ठीक है, राज्यसभा में भी नहीं होता, ये इंपॉर्टेंट बात है, आपके ये समझ में आ गया होगा अब वोट एन अकाउंट क्या होता है। ठीक है, अब ये इंट्रोड्यूस और पास किस में होता है, लोकसभा में। ठीक है, अब देखो क्या होता है ना कि समटाइम वोट ऑन अकाउंट इज इंट्रोड्यूस्ड विदाउट द प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट इफ द इलेक्शन आर शेड्यूल्ड इन द नियर फ्यूचर बिकॉज अ फुल फेस बजट कैन प्रूव टू बी अ बेनिफिशियल फॉर द रूलिंग पार्टी। देखो क्या होता है कि अब वैसे तो क्या होता है जनरली, अगर जैसे नई गवर्नमेंट आई है उसने बजट पेश किया, तब तक जब तक उसका पैसा सेंक्शन नहीं होता तब तक जो है वो वोट एंड अकाउंट से जो है अपने सारे एक्सपेंसेस जो है वो करते हैं। बट अब ये समझो कि 5वां साल है किसी गवर्नमेंट का, एंडिंग पीरियड है, ठीक है, अब नया साल आने वाला है और वहाँ पे उनको बजट जो है वो बजट का टाइम आ चुका है, बजट उनको अब पेश करना है न्यू ईयर के लिए, नए साल के लिए। तो उस टाइम क्या होता है कि कभी कभी क्या करता है ना गवर्नमेंट, क्या करता है उस टाइम बजट नहीं बनाता, ठीक है, वो बजट बजट को प्रेजेंट नहीं करता, वो यही सोचता है कि जब अगली बार जब इलेक्शन होंगे ना, जब इलेक्शन होंगे, अब उनको पता नहीं कि उनकी पार्टी आने वाली है या फिर किसी दूसरे की पार्टी आने वाली है। ठीक है, क्योंकि अगर उनकी पार्टी आई तब तो कोई दिक्कत नहीं, अगर किसी और की पार्टी आ गई, लीडर बन गई या किसी और की पार्टी का गवर्नमेंट बन गया, ठीक है, तो उस टाइम प्रॉब्लम क्या आएगी, अब वो अपने हिसाब से जो है पूरा का पूरा बजट बनाएगी, तो इसीलिए वो लोग क्या करते हैं कि एंड के टाइम पे जो है वो बजट को प्रेजेंट नहीं करते हैं। ठीक है, अब बजट को प्रेजेंट नहीं किया बट एक्सपेंसेस तो होंगे ही ना हमारे गवर्नमेंट के, अब होंगे तो वो कहाँ से होगा, वो वोट एंड अकाउंट से होगा। तो कभी भी कभी कभी ऐसा भी होता है, ठीक है, कि जो वोट एंड अकाउंट है ना वो बिना किसी बजट के प्रेजेंटेशन के ही जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है हमारे लोकसभा के अंदर और उसको पास कर दिया जाता है। ठीक है, और ये बेनिफिशियरी बेसिकली जो रूलिंग पार्टी जो भी होने वाली होगी ना उसके लिए होता है, क्योंकि वो फिर अच्छे से अपने हिसाब से अपनी पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी के साथ वो बजट को बना सकते हैं। ठीक
ठीक है, कि वो कहाँ से पैसा लेंगे, कैसे पैसा लेंगे, कहाँ कहाँ टैक्स रखेंगे, ठीक है, उस तरीके से वो लोग अच्छे से बना सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वोट एंड अकाउंट होता क्या है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बात करता हूँ कि कॉन्सेप्ट ऑफ गिलोटिन क्या होता है। ठीक है, कि गिलोटिन का क्या कॉन्सेप्ट होता है। समटाइम बिकॉज ऑफ द प्योसिटी ऑफ द टाइम द डिमांड फॉर ग्रांट्स आर पास्ड विदाउट डिस्कशन इन द लेजिस्लेचर, इट इज़ नोन एज गियोटिन। देखो गियोटिन का मतलब क्या है, देखो गियोटिन का कॉन्सेप्ट क्या है कि कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे लेजिस्लेचर में पार्लियामेंट में क्या होता है कि लोग बैठते हैं, ठीक है, अब कोई भी डिमांड, कोई कोई डिमांड करता है या कोई भी मिनिस्ट्री डिमांड करती है पैसों का, ठीक है, ग्रांट्स का डिमांड करता है अगर वो, तो क्या होता है कभी कभी क्या होता है ना कि उनके पास टाइम नहीं होता, जो वहाँ पे पार्लियामेंट में जो बैठते हैं ना उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो उस टॉपिक में डिस्कस कर सकें और बात कर सकें। ठीक है, बिकॉज ऑफ द लेक ऑफ टाइम उनके पास टाइम नहीं होता इतना कि वो उस टॉपिक में या जो जिस टॉपिक को लेके वो लोग ग्रांट मांग रहे हैं, ठीक है, उसमें डिस्कशन कर सकें। और वो क्या करते हैं कि बिना डिस्कशन के जो है पैसा को सेंक्शन कर देते हैं, ठीक है, पैसा को जो है वो पास कर देते हैं, उनका जो ग्रांट का डिमांड होता है ना उसको पास कर देते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना इसको बोलते हैं हम क्या, गिलोटिन। ठीक है, अब बेसिकली ये जो है ना ये एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, ठीक है, विच शोज़ अ लैक ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल ऑफ द लेजिस्लेचर ओवर द एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो ये एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है जो कि हमें बताता है कि भाई जो हमारे लेजिस्लेचर है ना उसका फाइनेंशियल कंट्रोल नहीं है हमारे एग्जीक्यूटिव के ऊपर। ठीक है, क्योंकि क्या है ना कि लेजिस्लेचर ही कंट्रोल रखते हैं हमारा एग्जीक्यूटिव के ऊपर, और अगर ऐसा कुछ होने लगा कि मतलब वो डिस्कस नहीं करेंगे, वो देखेंगे नहीं कि ये वेदर इट इज़ फॉर सोशल वेलफेयर ऑफ द पीपल और नॉट, ठीक है, कि ये लोगों की भलाई के लिए पैसा नहीं है, क्या है क्या नहीं, अगर वो ऐसा डिस्कस नहीं करेंगे तो वो कैसे कंट्रोल कर पाएंगे हमारे एग्जीक्यूटिव के ऊपर। ठीक है, तो ये हमें बताते हैं कि भाई फाइनेंशियल कंट्रोल जो है वो कहीं ना कहीं लैग कर रहा है लेजिस्लेचर का, किसके ऊपर, एग्जीक्यूटिव के ऊपर। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही, आई होप आपको जो मैंने समझाया है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में